नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद के पांडेश्वरनाथ मंदिर के बाहर, और यहां से हिंदू महासभा की ओर से एक विशाल वंदे मातरम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि जो सनातन धर्म के जो लोग हैं वो मानने वाले, उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, जिलाध्यक्ष जो विमलेश मिश्रा जी हैं उनसे बात, सौरभ शुक्ला जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या किस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन हो रहा है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल हम लोग निकालते हैं, और ये करीब 6-7 सालों से लगातार निकल रही है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये वंदे मातरम यात्रा निकालते हैं हर वर्ष की बात, इस बार भी हमारी निकल रही है। क्या लग रहा है, कितना उत्साह है युवाओं में उसको लेकर? युवाओं में हर साल इसको उत्साह रहता है, और प्रतिवर्ष उत्साह इसका बढ़ता ही जा रहा है। कितने वर्षों से निकाली जा रही है? विगत 6-7 सालों से निकल रही है। देख सकते हैं, जैसा कि विमलेश मिश्रा जी के सहयोगी हैं सौरभ शुक्ला जी, इन्होंने बताया कि ये यात्रा जो है पिछले 2-3 सालों से निकल रही है, और युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखा दें इस तरफ भी और पीछे भी दिखा दें कितनी भीड़ है। और यह यात्रा यहाँ से शुरू होकर अभी यात्रा का जो समय था 12 बजे था, यहाँ से शुरू हो चुकी है समय के रहते यात्रा, और चौक घूमना रेलवे रोड से होते हुए ये लाल गेट होते हुए स्वराज कुटीर पहुंचेगी, यहाँ पर इसका समापन होगा। आइए और भी हम आपको विमलेश मिश्रा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। भारत माता इस समय जो चित्रशाला पे रथ पे सवार हो चुकी हैं, आप पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि दिखा दें। और यहाँ पर जो भी सनातन प्रेमी हैं वो मौजूद हैं, और हमारे साथ विमलेश मिश्रा जी भी आ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय जय श्री राम। क्या कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी देर में यात्रा यहां से निकलने वाली है? पूरी तरीके से हमारी तैयारी हो चुकी है, ये सारे सनातनियों की यात्रा है, भारत माता हमारी विराजमान हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में अखिल भारत हिंदू महासभा हर वर्ष जैसा आयोजन करती चली आ रही है, इस बार भी किया जा रहा है, और इस बार इस कुछ अलग हट के किया भी है हम लोगों की, जो हमारे बागेश्वर धाम के महंत हैं धीरेन्द्र जी, उनको यात्रा समर्पित की है हमारे सभी सनातनियों ने, तो उनके लिए भी यात्रा का आयोजन किया गया है, और सभी भगवाधारी यहाँ मौजूद हैं और सबके साथ में यात्रा बस कुछ चंद ही समय लगता है। कितनी बड़ी संख्या में सनातन धर्म के लोग? देखिए, जो सनातनी यात्रा है इसमें जो हमारा सनातन है वो धीरे धीरे जाके एक विशाल रूप ले लेगा, जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे विशाल यात्रा होती चली जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि सनातनी धीरे धीरे करके एक से एक कड़ी से कड़ी मिलता चला जाएगा, सभी सनातन है यहाँ। शासन का सहयोग कुछ कम दिखाई पड़ रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुचारू है, क्या? देखिए, जो मैंने भी कहा था कि जो बड़ी गाड़ी हैं, जो बेचारे बाहर के आए हुए हैं हमारे लोग हैं, वो गलियों में अगर मोड़ दिया जाएगा तो भटक जाएंगे, अगर सहयोग रहता है तो उनको धीरे धीरे करके निकाल दो। ई रिक्शा वगैरह हैं, इनको सब लोकल की गलियाँ पता हैं, इसलिए गली में मोड़ दिया जाए, और अभी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको हमें प्रशासन से बात करके और कहीं इधर उधर डाइवर्ट करा देते हैं। देखिए, जैसा कि बताया विमलेश जी ने कि काफ़ी समय से ये यात्रा का आयोजन हो रहा है, और इसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म के प्रेमी जो हैं वो भाग लेने वाले हैं। आप ऊपर देख सकते हैं भारत माता रथ पर विराजमान हो चुकी हैं, और जैसा कि ट्रैफिक की बात की है तो ट्रैफिक भी हम चाहेंगे दिखा दें कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, ट्रैफिक जो नहीं काबू में हो पा रहा है। तो इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्वेता दुबे जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है पीपीएफ लाइव में। जी, किस प्रकार से यात्रा का आयोजन हो रहा है और किस प्रकार से देखते हैं? ये वंदे मातरम यात्रा है, ये फर्रुखाबाद में इससे पहले भी निकलती रही है विगत वर्षों में, लेकिन इस समय इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू समाज के जो धार्मिक प्रतिमान हैं, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उन पर तरह तरह के अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे जो पूज्यपाद बागेश्वर धाम सरकार हैं उनके ऊपर भी ढोंगी होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस सब के विरोध में और हिंदुत्व को एक करने के परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है, ये किसी पार्टी या किसी उससे संबंधित नहीं है, ये हिंदू धर्म हिंदुत्व के प्रतीक की यात्रा है। क्या लग रहा है, महिलाएं की संख्या कुछ कम दिखाई पड़ रही है और क्या? अभी यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, हम आधी आबादी हैं, हम कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि आप हिंदू समाज यहाँ तक पहुँचा है तो इसमें महिलाओं ने भी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई है आज तक, तो आज भी जरूर अभी आप यात्रा आगे बढ़ने दीजिए, फिर आप महिलाओं की संख्या देखिए। और भी महिलाएं हमारे साथ मैम मौजूद हैं, मैम क्या नाम है आपका? प्रीति तिवारी।
क्या क्या लग रहा है इस यात्रा में आप शामिल हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हमारा मतलब है कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन पे, हमारी आस्था पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम अंधविश्वास नहीं करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर बाबा के लोग कैसे चमत्कार करते हैं, अगर उस चमत्कार से किसी को फायदा हो रहा है तो वो अच्छा है, तो दूसरा भी चमत्कार कर सकता है, तो आप भी करिए। लोग उसे साइंटिफिक उससे जोड़ के देख रहे हैं कि चमत्कार नहीं है ये। ठीक है, वो साइंटिफिक है, अगर हमको लाभ मिलता है तो हम वो चमत्कार स्वीकार करते हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी चमत्कार से हमें लाभ मिल रहा है तो उसको हम चमत्कार ही मानेंगे, भले ही वो साइंटिफिक क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TPF लाइव, फरुखाबाद। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।